तो अरे तीन अरे चार अरे चार के अफसोस तो ऐलान कर चुके हैं कि हम नहीं सुधरेंगे। अबे जब ये नहीं सुधरे तो मैं यानी कि जावेद जाफरी से सुधरू? तो भैया हमेशा की तरह मैं आज भी बैठे बैठे दूंगा रनिंग कमेंट्री और ये दिखाएंगे खड़े खड़े रनिंग डिसेंट्री। भैया आज मशरूम ट्रिप पर टपकेंगे, ब्रिज बॉल में रास्ता भटकेंगे, धोनी को उम्मीद से इनको भराएंगे, हाई रोलर्स भटक कर जगाएंगे, विश्व की प्रथम पागल पाठशाला तकेशी कौशल। अपनी भेजों को दांड करके आए हो क्योंकि आज तुम्हें होगा मशरूम ट्रिप पर फिसल जाना, स्किपिंग स्टोन से मुंह टकराना, ब्रिज बॉल में बॉल गिराना, मगर शोडाउन में घुस जाना। चलो चमुनो। तो भैया ये 100 नर और नार बनने के लिए अचार जा रहे हैं हनी को मेज में। टैग जनरल ने बुलाया और मोटू मामा दौड़ाया। रो मत मामा, नहीं उतरेगा इज्जत का पैजामा। मामा अंदर आया और रंगीले को देख कतराया, राइट टर्न मारा मगर अगला लेफ्ट मिस किया और गोबरी तलाश को किस किया। कमरों दो मिस्टर ब्लू वे अपना वे ढूंढे यानी को मेज में अंदर आए, बिना सोचे आगे बढ़े और क्या कर लिया सुसाइड हुआ। जनाने की शौकी लगते चंदी चमुनी ठुमक ठुमक के अंदर आए। क्या हाई पिच की चीख है, चिंगारड़े भाग जाएंगे चीख सुन के। ये देखिए कितने खुश हो रहे अभी यार। ले भाई चेहरे का तो एकदम गोबर होता, लीप लीप करके ये स्पेशल मंगाते हैं चंद्र विभूषण पांडे जी के यहाँ से, जो चेहरे पे लपेटने का होता है, फ्रेश गोबर आता है। मिस्टर भागचंद भगोड़िया भागते हुए अंदर आए, सामना हो गया रंगीले से मगर भागते हुए निकल गए, सही चेंबर में आए लेकिन गलत दरवाजा खोल लिया और भागचंद भगोड़िया गेम से भी भाग गए। बेटा डाइव लगाने आए थे या मेज को पार करना है? ओहो मिस्टर चंपक भूमिया तोता लाल हो, ये चीखे सुनी भाग कर पलटे सामने यमदूत, दूसरी जगह भागे वहां भी यमदूत, पलट पलट के फिसल फिसल के हबड़ दबड़, समझ में नहीं आ रहा कुछ, सिट्टी गोल हो गई इनकी और पकड़ में आई टी शर्ट लेकिन बाहर निकले तो। अरे क्या बात है जियो मेरे लाल पीले, अरे ओह ये क्या ब्रूसली के पसीने की बदबू। दौड़ा और रामू शोमू को मौका ही नहीं दिया हाथ लगाने का, खुद ही अपना डिसीजन ले लिया और अंतिम संस्कार इनका ये बिल्कुल निकल गई ब्रूसलियत। ऑल स्टार नंबर 5 आ गए हैं, इनका किस्मत का स्टार चमकेगा का, डाज किया गंजे को का, चोर पुलिस खेला तो का, मुड़कर भागे दीवार को छूकर पलट गए, कबड्डी खेला तो का। अबे उल्लू का पट्टा जो है फंसेगा क्योंकि घिरता जा रहा है, सामू से बचा तो रामू अब का करी हो पलटवा, पंजा बन के आए छक्का बन के जा रहे हैं। वो ये कौन है? अमिताभ बच्चन पूरी जापानी फैन चीखती हुई आई, दहाड़े सुनी और अरे बाप रे ये रेल की सीटी बन रही इनकी रेल की। अरे ये तो हमारा नाक कटा करेगी, मुंह काला करा करेगी, पर लड़की ने नाक बचाई और तालाब में डुबकी लगाई। अगली बार मम्मी से पूछ के आना। हाँ भैया ये आए टोक्यो के फायर ब्रिगेड से, या रामू श्यामू के जुल्म की आग बुझाएंगे या अपना कचरा करवाएंगे। भैया आज हर अंदर आने वाले का सामना रंगीले से हो रहा है। बिटुआ ये अम्मा का गोद ना ही दीवार। क्या कर रहा है भाई? आई पकड़ा पकड़ी खेल रहा है क्या? पहले घेरा तो जवान भागा लेकिन फंस गया। जी अब मेरे लाल इस फायर फाइटर में दम है लेकिन अकल थोड़ी कम है।
खजूर पे लटक गया। बीच में देखा आसमान से गिरा और खजूर में अटका, खजूर में दरवाजे में अटका। श्यामू खींचा, रामू ने खींचा, ये सब तो फायर फाइटर की इज्जत का सवाल है भाई। देखो यार मेरा दरवाजा मत तोड़ देना। जवान हार मानने की तैयार नहीं है, दो दो मुस्टंडे से अंदर नहीं खींच पा रहे हैं। हाँ बेटा चढ़ जा, सीधे चांद पर पहुंच जाएगा। तो ये दरवाजा क्या स्टेनलेस स्टील का बना है? अभी लाते मार रहे, क्या क्या कर रहे हैं, उसको धिकार रहे हैं। अरे तेरी, अरे बाप रे, ये भी दरवाजा भी बहुत ढीट, ये भी ढीट और रामू श्यामू भी ढीट। एक तरफ जल्लाद, एक तरफ कसाई, कहां को जाएगा मेरे भाई। अरे तो पड़ी कसके लात और खत्म हो गई बात। जय जय कर आप चिकनी प्ले में देखिए, सीधे सीधे आते हैं सब, उल्टा होके जो जाएगा। आगे आप गाइए, मैं चलता हूँ स्किपिंग शो। जनरल ने सीटी बजाई, देखे किसकी शामत आई। बाबा भूतनाथ, वो क्या स्कीपिंग स्टोन्स के पत्थर से डर जाएंगे। ओए तेरी तो, ये क्या गोद ले लिया। हसनियों का मुरब्बा। ओहो डॉली ढिल्लो, भाड़े के कपड़े पहन के आई है सहेली के। तेरी तो स्ट्रेंड हो गया। टिंग 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 टिंग, सिटी बजी इनकी भी। ओहो लाल छड़ा मैदान खड़ा, अबे तेरी तो पत्थर पे पड़ा। ओहो लालू, उसके बाद कालू, अबे देर रात पत्थर को उल्टी और बन गया फुल्की। बजरे सिटी। ओहो पिंकी फुलवाने लाल फुल्की, तारे की तो धूम किया और बची। ओके लेफ्ट राइट करती हुई जा रही है, अच्छी। अरे बाप रे पत्थर डुबाया, खुद निकल गई पिंकी, क्या बात है। ये देखिए स्लो मोशन में टांगे, वजन कम करो मोटो पिंकी की तरह। ओहो चमनदास चड्डी, देखते हैं टूटेगी इनकी हड्डी। अरे टूट गई, कहां की टूटी हो देखना पड़ेगा। ओहो क्योटो से आई हमें सीमा, और इनका बढ़िया कीमा है। जागो या ना जागो। ओहो जज्बाती भगोड़ा, दोरे तेरी भगोड़ा, अपना मुंह तोड़ा। ये देखिए हालात निरंजन, आप तोड़ फुरमा और दांत तोड़ मंजन। ओहो मैडम नारंगी, आइए आइए, वन टू एंड बच्ची। ओहो वेरी गुड, उठिए आगे बढ़िए, वन एंड हाफ। डेढ़ चंद, अबे क्या जापान ने भी रॉकेट छोड़ दिया क्या? अबे मुझसे पूछा भी नहीं, बोलने भी नहीं दिया, पार हो गया। रामचिक रिप्ले देखते, ये देखिए इनके पति एक हफ्ते तक सुरक्षित रहेंगे इनकी लातों से। पार्ट टू में आप देखेंगे मशरूम ट्रिप के मुसाफिर घुसते अंदर, ब्रिज बॉल से कूदते बंदर और हाई रोलर्स पर पिस्ता चंदर। राइमिंग के लिए करना पड़ता है यार। बम 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 बम, स्वागतम, और सबके बैंड बजाने गार्ड्स को ले आए हम। लेट्स गो ऑन मशरूम ट्रिप। जनरल ने बुलाया और जापानी शेर चलाया। वेलकम नाहर जी। नाहर ने मशरूम पकड़ा और ट्रिप शुरू। वन टू थ्रू, चल मेरे गुरु। मशरूम में एक खांचा है जिसमें एक हाथ फंसाया जा सकता है, मगर दूसरे हाथ के लिए कोई पकड़ नहीं। हाथ छोड़े और नाहर प्लेटफॉर्म और गेम से हो गया बाहर। सरिता मौसी, ओहो रस्सी के सहारे मशरूम को जकड़ा, चकरी चढ़ पड़ी, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। ओहो मिस्टर पेरिस, असलम भाई जो है चीन की चड्डी पहनते थे, ये पेरिस की चड्डी पहनते हैं और कोई फायदा नहीं पेरिस की चड्डी पहनने। चड्डी जो है सुकड़ के लंगोड़ बन जाए। एक और मैडम आई, ये झपकी, अरे बाप ऐसा कहीं तो भाई बिल्कुल गई।
जाओ तो पूरी तरह देखिए वजन कुछ ज्यादा था। एक और लेडी ये पजामा पहन के आइए। इनकी पकड़ कुछ अच्छी लग रही है, मशरूम के झटकों का कोई असर नहीं। वेरी गुड, ये लेडी जरूर खुद को रोक नहीं सकी, बैड लक बेबी। और उसको शनि लग गया। अबे पेटू, इतना बड़ा हंडा ऊपर से जेके धतूरा पार करेगा तालाब, एक हाथ छूटा दूसरा है, अगले राउंड से नाता टूटा। ये देखिए स्लो मोशन में देखिए कैसे फड़फड़ा के कूदा है मोटा हंडा। वो तो रेस्क्यू टीम का कोई लग रहा भाई, किसको रेस्क्यू करेगा? अरे ते तो कहा रेस्क्यू करेगा, अपने आप को रेस्क्यू नहीं कर पाया। हाँ भैया, इसे कहते हैं पकड़ना, जैसे गब्बर को देख के बच्चा अपनी माँ को पकड़ता है। लेकिन तो इसे कहते हैं चक्र हिन्नी फॉल। ये देखिए डुबकी लगाओ गब जाओ। मैडम सास से झगड़ा करके आई है लग रहा है, मुझे खुश लग रही है। अरे चिल्ला चिल्ला के और क्या मिलेगा, सास से झगड़ा करके आई थी मई के चली जाती, यहाँ आने की क्या जरूरत है भाई। अबे निंजा मामू ठीक मांग रहे जापानी। और जे जगह रापची ग्रीन में देखिए मामू मुशंगड़ सिग्नल वाला भिखारी। मामू भागा मगर मशरूम ने दिमाग का घंटा बजा डाला, मामू हो गया झिंगा। कृपया स्ट्रेचर्स और एम्बुलेंस तैयार रखें, शुरू हो रहा है हाई रोलर्स। जनरल ने मारी सीटी, आया जवान और कर लिया टाटा टीटी। अरे किसी जादूगर की झोली में से निकल के आया है क्या, पैरों से घुटने पर आया। अरे पांडे ताल में रोता खाया। ओहो लाला शौकीन, पहलवान भी है और शौकीन भी। 1 2 ऐसी पहलवानी पे संघर्ष शुरू होने से पहले ही पानी पी गया। ओहो भाभी अनुष्का कईयों का कर चुकी है पचका। रोलर पर कदम रखा और आ गई घुटनों पर। अरे मेंढकी की तरह चल रही है, चेतपुरी की मेंढपुरी की। अब तेरी की 1 2 3 4 3 2 1 1/2। चल भैया रिवर्स गिनती भी करा दी तेरे जरिए। ठीक है बीरी। ओह माय गॉड, बीरी नाइन इज नॉट वेरी फाइन। नाउ प्लीज गो होम एंड डाइन। कभी कभी क्या क्या राइमिंग करता हूँ मैं। नहीं नहीं भाई, डंडे पे कपड़े नहीं लगते हैं, अंदर आदमी है। रूलर पर आया, आगे बढ़ गया। क्या बात है, अरे अरे साइकिल चली, घुटना फूटा, कमर टूटी और फिर डुबकी। बैड लक दोस्त, बेलन की चक्री चली और इनकी किस्मत चढ़ी बली। आज बेटा नंबर 3, कुछ भी दुआ मांग ले, बजेगी तेरी बीन। मैं बात मांगने का नहीं है, ये भाई ओजड़ी का सूप बन गया तेरा। चल भाई, ओहो जज्बाती झिंगुर, देखते हैं क्या करता है। अबे ले झिंगुर घुटनों पे आया, फड़फड़ाया और कुछ कर नहीं पाया। ये देखिए, ये है झिंगुरी टेक नंबर 3। ओहो आइए नीले नवाब, पांडे जी की ताल इंतजार कर रही है। नवाब साहब चले, बड़े मजे से चले जा रहे हैं, जब लगाने लगे और ये जब कर गए अगले राउंड में। वाह भाई, धुलाई होने वाली अगले राउंड में। जय ब्रिज पॉल, जनरल की इशारा और आ गया किस्मत का मारा। भैया इसकी किस्मत देख के मैं कह सकता हूँ किसके बजेंगे मारा। डगमग डगमग करता मार्क पर आया, गोल्डन बॉल पकड़ा और इसका बुरा वक्त शुरू होता है। अब फटके से ज्यादा डगमग पुल पर ध्यान,
जवान लड़खड़ा है और अबे 12 का था, तू तो 11:30 पर ही निकल दिया और ये सब तो वैसे ही निकले हुए हैं। मैडम कृपलानी, अरे बाबा देखता है इसका क्या प्लान है, रेड ब्लू एंड द व्हाइट, अरे व्हाइट टांगों का रेड होने का पूरा संभावना है। अगर आप इसका इसका ऐसा स्पीड में चलेगा तो मुझे तकिया चादर मंगवा के इधर सोना पड़ेगा स्टूडियो में। एंड गार्ड गोल्डन बार पकड़ लिया और गार्ड ने व्हाइट को रेड बनाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया। अगर एक फटके में 2 स्क्वायर इंच टांग लाल होता है तो दोनों टांगों का लिए कितना फटकों का जरूरत पड़ेगा। आप नोटिस कर रहा होगा कि मैडम पर फटकों का कोई असर नहीं हो रहा है। गोल्डन बाल छूटा लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, दूसरा पकड़ लिया, पुकट में मिलता है बाबा, मुफ्त का माल हजम होता है। कॉन्सेंट्रेशन से देख बोल, मैडम चलता है, बीच में रुका, फटका वाला गोल्डन बाल मिस होता है, इफेक्ट भी आया लेकिन बाबा इधर लगा बाल, स्लो मोशन में दिखाया तो अभी हमको समझ में आया बाबा। नीलकंठ, नो नो सर, मिस्टर नीलमणि वेणुगोपाल सिल्वराज अन्ना स्लोली स्लोली मार्क पर आया। ये देख सर, बैलेंस देख, गोल्डन बॉल पकड़ा, अभी आग जाता, डैड बम्बार्डमेंट करके अन्ना को रोकता, बट अन्ना ब्रेव, वेरी ब्रेव, फटके खाना पर ब्रिज पर जाना, बाहर जाना सर, ये हिंदी लिटिल विक सर, एक और फटका मारा एंड अन्ना नीचे आया। अयो ओ, अब पूरा जा के भाई, कब पूरा जा, क्या चाल है, उतरने वाले कसम का चाल है, सुन के ही निकल लिया पहलवान। क्या लिखा टी शर्ट, केक हुआ, अरे चुब्बे केक हुआ, बस दबा देंगे तेरा टेट हुआ, ऐसे आ रहा जैसे मोमबत्ती कटी पतंग की तरह डोलती आ रही है। केचुआ आई केचुआ मार्क पर आया, गोल्डन बॉल पकड़ा और चल पड़ा, रेलगाड़ी चुप 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 रेलगाड़ी। शाही गार्ड बोले, रुक 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 रुक, अबे मगर मोमबत्ती नहीं रुका, अबे पड़ा सर पे फटका और मोमबत्ता बॉल छोड़ के लटका, फटका बहुत कड़क लग रहा भाई, बैतुल खला जाने की इजाजत मांग रहे क्या, जोर लगा के, वो वाला जोर नहीं भाई, ताकत वाला जोर लगा के ऊपर आया, बची कुछ हिम्मत को जमा किया और चल पड़ा वापस अपने मार्ग की तरफ। हिलते डुलते केकुआ ने लिया टेकुआ और पहुंच गया मार्ग पे। बैलेंस कर दिया भाई, सेकंड गोल्डन बाल पकड़ा भाई और अर क्या कर रहे हजरत, झूला झूलने आए हैं कि पुल पार कर रहे भाई, क्या बात सुन लिया, लगता गर्मा गर्म हो गया, क्या कर रहे उन्हें, रेंग रहे ऐसे मेंढक की तरह लटक गए, देखो क्या कुछ बोया उन्होंने, 2 बार में लटका लेकिन तीसरी बार में नक्को लटकना भाई, रेंग रेंग के आगे जाते, देखो भाई अपने बेटे को ऐसे नहीं संभाला होगा जैसे बाल को संभाल रहे भाई, क्या बात है, लेटे से बैठे बैठे से खड़े हुए, मारा लपका और जवान पार आ गया भाई, केकुआ बच गया तेरा टेटुआ। और रापची की रिप्ले में देखिए, कंट्रोल्ड एक्सेलरेशन, ये देखिए स्लोली उठा होने मार्क्स, गेट सेट गो भाई। और अब एक नजर फ्लैशबैक पर, कोई भागा कोई फिसला, किसी ने पिया पानी, कोई बनी फ्लाइंग रानी, मॉरल ऑफ द फ्लैशबैक ये है कि काउंट तकेशी के यमदूत अनकाउंटेबल खिलाड़ियों को डकार गए, बट सब नहीं, जो बच गए उनसे मिलिए शोडाउन में, जो ये आ गया भैया, जनरल की फौज में है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सिपाही, चलो और विजेता तेजी से दौड़े और हो गए टैंक्स पर सवार, शाही गार्ड तो सदा तैयार है, ये देखिए
अबे गे तोप का धमाका और जंग शुरू। कमांडर का टैंक तेजी से आगे आया और घूम गया। जनरल के जाबाज उसके पीछे दौड़े मगर वो गार्ड्स की ढाल के पीछे चला गया। वास्तव में ये खिलाड़ियों को फंसाने की एक चाल। गार्ड ने आगे आने वाले पर हमला कर दिया और इन खिलाड़ियों ने अपनी रिंग्स गार्ड्स को तोहफे में दे दी। हैप्पी बर्थडे टू यू। बदले में इनको मिलेगी फुटास की गोली। और ये कमांडर अगले शिकार की खोज में हमला हुआ और चौतरफा हमला हुआ और कई रिंग जिंदगी से हाथ धो बैठी। एक जाबाज कमांडर के पीछे लगा हुआ है जनरल को जीत की उम्मीद। यहाँ गार्ड ने एक और रिंग पर हमला किया और रिंग को छेद डाला। नहीं है, देखिए देखिए दिखा ना, छोटा छेद है लेकिन है। जनरल की उम्मीदों का दीपक ध्वस्त हो गया। एक और रिंग गार्ड्स के शिकंजे में फंसा और रिंग गवा बैठा। ये टैंक 235 का रिंग अभी तक बचा हुआ है और दुश्मन टैंक्स उसको घेराबंदी कर रहे हैं। जवान ने कमांडर पर हमला किया मगर मार खाली किया। कमांडर ने भी पलटवार किया। जवान जान बचाकर भागा मगर गांव के कसाई हाथ और पैर दोनों धोकर उसके पीछे पड़े हैं। खिलाड़ियों की कोशिश है कि कमांडर के रिंग को फोड़ा जाए मगर ये तो शेर के मुंह से निवाला छीनने वाली बात है। गार्ड और कमांडर 235 की जान के पीछे पड़े हुए हैं मगर जवान किसी न किसी तरह खुद को बचा भी रहा है और हमले भी कर रहा है। अब मुकाबला है रूबरू का। कमांडर और जवान दोनों गोल गोल घूमकर एक दूसरे के रिंग्स पर निशाना लगा रहे हैं। जनरल की उम्मीद उठती जा रही है। काफी देर तक अकेला लड़ने के बाद 235 का रिंग फूटेगा या बचेगा? अरे यार जंग, लेकिन बहुत अच्छा लड़ रहा है जवान। अरे रे रे गया भैया, जवान वीर गति को प्राप्त हो गया। और ये अनार छूटने का वक्त, दिखाओ भाई फाड़े के आपके अनार। वाह वाह, अब देखिए जनरल क्या कहते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ कहता हूँ लेकिन आज कुछ नहीं कहूँगा। अरे भाई पगार नहीं दी 2 महीने की, क्यों कहूँ भाई? भाई ये बात पतेगी कि जनरल मेरी भी 2.5 महीने की पगार नहीं दी है, मैं क्यों बोला जा रहा हूँ? ये बेचे साइमन हैरिस और एडी मेरे तो आराम से बैठे हुए एडवांस में पेमेंट लेके। मुगुरुजा तो